हेलो डियर फ्रेंड्स तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सेवा में तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था मार्फोलॉजी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में और आज हम बात करेंगे मार्फोलॉजी में जितने भी एग्जाम्पल हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में तो चलिए बात करते हैं पार्ट टू इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे तीस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं पहले क्वेश्चन पर क्वेश्चन हमारा पहला है हाइपोग ओवरी इज प्रजेंट इन आल एक्सेप्ट इसमें होता है प्लम में मस्टर्ड में ब्रंजल में या चाइना रोज में तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ ए मतलब प्लम बेर में नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है पेरी गाइनस ओवरी इज प्रजेंट इन रोज में होती है कुकुम्बर एलो या सिस्वेनिया तो इसका करेक्ट आंसर बताइए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर दैट इज़ ए इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट बात करते हैं ईपी पिटलस इस्टेमेंट आर इन ट्राइफोलियम ब्रंजल एस्परागस या इंडिगोफोरा या इंडिगोफेरा तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ई पी पिटलस इस्टमेंट किस में पाया जाता है तो इस, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ बे मतलब ब्रिंजल नेक्स्ट क्या है ट्विस्टेड एस्टिवेशन इज प्रजेंट इन क्वेश्चन नंबर चार ट्विस्टेड एस्टिवेशन प्रजेंट इन मस्टर्ड में लेडी फिंगर में पी में या कैलोट्रोपिस तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा दैट इज बी लेडी फिंगर करेक्ट ऑप्शन इज बी नेक्स्ट बात करते हैं डाई एडल्फस डाई एडल्फस कंडीशन इज इन किसमें सिट्रस पी चाइना रोज या टोमेटो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दैट इज बी मतलब पी इज करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में मार्जिन ओवरलेप इन रेगुलर फैशन इन किसमें इम्रिकेट एस्टिवेशन होता है या बलवेट एस्टिवेशन या वैक्सिलरी एस्टिवेशन में ऐसा होता है या ट्विस्टेड एस्टिवेशन में होता है तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज डी सॉरी दैट इज डी इज करेक्ट ऑप्शन मतलब ट्विस्टेड एस्टिवेशन में ऐसा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन हाफ इन्फीरियर ओवरी इज़ फीचर ऑफ कह रहे हैं हाफ इन्फीरियर किसका फीचर है पिटूनिया एंड लिली का पीच एंड रोज का वाटरमेलन एंड पंपकिन का या मस्टर्ड एंड कैबेज का तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दैट इज़ क्वेश्चन नंबर सेवन का दैट इज़ बी पीच एंड रोज इज़ करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ मोनोकारपेलरी सुपेरियर ओबरी का एग्जाम्पल बताना है मैंगो पोटैटो एलो यानी कि एलोवेरा या मस्टर्ड तो क्वेश्चन नंबर एड का जो करेक्ट ऑप्शन होगा कह रहे हैं मोनोकारपेरी सुपेरियर ओबरी किस में प्रजेंट होती है तो ए जो होती है मैंगो दैट इज ए इज़ करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट बात करते हैं रेसिमोस इन फ्लोरिस इज प्रजेंट इन कैवस पिटूनिया लिली या शोलेनम तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दैट इज कैबेज। ए इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट बात करते हैं इन्फीरियर ओवरी इज फीचर आप कह रहे हैं इन्फीरियर ओवरी जो है किसका फीचर है सोलेनम का है या पीच का है या कोकुम्बर का है या मस्टर्ड का है तो क्वेश्चन नंबर दस का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज सी मतलब कुकुम्बर इज करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन। एग्जाम्पल ऑफ लीफ़ टेंड्रिल का एग्जाम्पल बताना है पी या मस्टर्ड या ग्रैप वाइन या आल तो क्वेश्चन नंबर अलेवन का जो ऑप्शन होगा क्योंकि पी में ही पाई जाती हैं टेंड्रिल, लीफ़ टेंड्रिल जो होती हैं वो पी मतलब मटर में ही प्रेजेंट होती हैं दैट इज़ इसका करेक्ट ऑप्शन दैट इज़ ए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा वर्ल्ड फिल्लोटैक्सी इज प्रजेंट इन एलेस्टोनिया काना सिल्क कॉटन या ऑल तो ऑल पे मत जाइएगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ए मतलब एलेस्टोनिया इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट बात करते हैं प्लेसेंटल प्लेसेंटेशन इज टोमेटो एंड लेमन कहते हैं प्लेसेंटर इन टोमेटो एंड लेमन पेराइटल प्रेजेंटेशन होता है या फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन होता है या मार्जिनल होता है या एक्साइल होता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज बी टोमेटो एंड लेमन में जो होता है प्रेजेंटेशन फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं स्टेम मोडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स आर नॉन एज क्लेडोड फिलोड या फिल्लो क्लैड्स या स्केल्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज फिल्लो क्लैड्स यानी कि ऑप्शी करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट बात करते हैं द अरेंजमेंट ऑफ ओवील विद इन द ओवरी कह रहे हैं ओवील का अरेंजमेंट ओबरी के अंदर इज नोन एज प्लेजेंटेशन कहलाता है ए पी पेटल या एस्टिवेशन या इनफ्लोशंस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज प्लस प्लेजेंटेशन दैट इज ए नेक्स्ट बात करते हैं नॉन एलुमिनस सीड इज़ प्रोड्यूस्ड इन मैज कैस्टर भीट या पी तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका दैट इज डी इज़ करेक्ट ऑप्शन पी इसका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्या है प्लेसेंटेशन इन टमेटो एंड लेमन कह रहे हैं कि टमाटर और नींबू में कैसा प्लेसेंटेशन पाया जाता है मार्जिनल होता है एक्साइल होता है पैराइटल होता है या फ्री सेंट्रल होता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ एक्साइल प्रेजेंटेशन पाया जाता है ऑप्शन इसका बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्या है फ्लोवर विद बाइलेटरल इज फीचर ऑफ फेवेसी का है सोलेनेसी फैमिली का है या डिकी फैमिली का है लिली एसी फैमिली का है बाइलेटरल सिमेट्री किस फैमिली में पाई जाती है तो बायलेट्रल सीमिट्री जो है फेवेसी फैमिली का फीचर है दैट इज़ इसका करेक्ट ऑप्शन दैट इज़ ए नेक्स्ट बात करते हैं फलोरिंग फॉलोविंग आर द नॉन इंडोस्पर्मिक सीड एक्सेप्ट बीन ग्राम पी कैस्टर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा कैस्टर ही करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बी के बारे में क्वेश्चन क्या है द प्लमील एंड रेडिकल इन मोनोकार्ड सीड आर इंक्लोज इन सीथ बिच आर कार्ड फिल करना है यहाँ पे एंड रिस्पेक्टिवली कोलियोपटाइल एंड स्कूटेलम या एस्कुटेलम एंड कोलियोराइजा या कोलिप्टाइल एंड कोलियोराइजा या कोलियोपराइजा एंड कोलेपटाइल तो इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है तो क्वेश्चन नंबर बीस का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा दैट इज सी मतलब कोलेपटाइल एंड कोलियोराइजा नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेसेंटेशन इन विच ओबरी डेवलप ऑन द इनर वॉल कह रहे हैं जो इनर वॉल ऑफ ओबरी इन पेरिकुलर पार्टीज बेसल एक्साइल पेराइटल या फ्री सेंट्रल तो इसका क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज सी पैराइटल प्रसेंटेशन पाया जाएगा नेक्स्ट निमेटोफोर्स हेलोफाइट्स, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स कार्निबोर्स प्लांट समर्ज हाइड्रोफाइट तो निमेटोफोर uh, किसे कहते हैं जो हेलोफाइट होते हैं हेलोफाइट इसका करेक्ट ऑप्शन दैट इज ए नेक्स्ट इन वोगिन बिलिया थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशन कह रहे हैं वोगिन बिलिया में जो थॉर्न्स होते हैं वो किसका मॉडिफिकेशन होते हैं तो थॉर्न्स थॉर्न् मॉडिफिकेशन होते हैं दैट इज स्टिप्यूल एडवेंटिशियस रूट स्टेम या लीव तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज स्टेम मॉडिफिकेशन होते हैं नेक्स्ट लीव्स बिकम मॉडिफाइड इन टू स्पाइन कह रहे हैं लीव्स जो है स्पाइन uh, में मॉडिफाई हो जाती हैं किसकी ओनियन सिल्कोटन अपंसिया या पी तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा दैट इज़ अपुंसिया अपुंसिया को नांग फनी की भी कहते हैं नेक्स्ट फ्लोवर आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर कोकुम्बर चाइना रोज ऑनियन एंड फी तो यूनिसेक्सुअल किस में कौन किस आ जाएगा दैट इज़ क्वेश्चन नंबर पच्चीस का जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन कोकुम्बर नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स में जो है रूट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन एबजॉर्पन ऑफ वाटर एब्जॉपन ऑफ वाटर रूट प्ले सिग्निफिकेंट रोल पिस्टिया पी बीट या सनफ्लावर तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा पिस्टिया नेक्स्ट एन एग्ज़ाम्पल ऑफ इडिबल अंडरग्राउंड स्टेम एक इडिबल अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल बताना है पोटैटो है कैरेट है ग्राउंड ग्राउंड है या स्वीट पटेटो है तो अंडरग्राउंड स्टेम कौन है जो हम लोग इडिबल इडीबल मतलब खाते हैं उसका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ खाते तो हम लोग सभी हैं लेकिन अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जांपल कौन है दैट इज़ पटेटो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए कह रहा है सीड कोट इज़ नॉट थिन कह रहा है सीड कोट नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन क्या होता है ग्राम मेज़ कोकोनट या नट तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दैट इज कोकोनट कह रहा है मार्क द इनकरेक्टली मैच बताना है इनकरेक्ट कौन मैच है टेस्टा कह रहे, है, है. रहे हैं आउटर लेयर सीड कोट होता है टेगमन कह रहे हैं एम्ब्रियो को माइक्रोपाइल कह रहे हैं पोरा ऑन सीड हाइलम कह रहे हैं स्कार ऑन सीड तो इनकरेक्ट कौन सा मैच है ट्वेंटी नाइन में दैट इज टेगमन एम्ब्रियो दस का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी फिल करना है यहाँ पे प्रोटेक्ट बोगन विलियम फ्रॉम ग्राजिंग एनिमल कह रहे हैं बोगन विलियम ने कौन सा मॉडिफिकेशन किया है ग्राजिंग एनिमल से बचने के लिए टेंडेल्स का सकर्स का ऑफसेट का या थॉर्न का करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डी यानी कि कांटों का थॉर्न्स का मॉडिफिकेशन किया है तो आज के वीडियो में इतना ही तो थैंक यू प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ और उसमें भी डिस्कस करेंगी एनसीईआरटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में ओके थैंक यू